नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर न्यूज, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। पूरे प्रदेश में अपराध की दृष्टि से शांत माने जाने वाला जिला फतेहाबाद इन दिनों आपराधिक गतिविधियों का हॉटस्पॉट बना हुआ है। बदमाश आए दिन आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। बेखौफ बदमाशों ने आज जिले के भूना और टोहना इलाके में चेन स्नेचिंग की घटना को अंजाम दिया। टोहना में हुई चेन स्नेचिंग की घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई। घटना को जिस प्रकार से अंजाम दिया गया उसे देखकर लोग हैरान नजर आ रहे हैं, क्योंकि वारदात करने वाले युवकों में बिल्कुल भी डर या खौफ नजर नहीं आ रहा है। घटना टोहना के किला मोहल्ला वार्ड नंबर 8 की है, जहां आज सुबह अज्ञात बाइक सवार एक व्यक्ति के गले से चेन स्नेचिंग कर फरार हो गए। घटना के समय पीड़ित वीर भान, जो कि बाबा कबीला शाह दरगाह का मुख्य महंत है, अपने घर के बाहर लगे पानी के नल में पेयजल की सप्लाई के लिए पाइप लगा रहा था। इस दौरान दो अज्ञात बदमाश बाइक पर सवार होकर गली में आते हैं, जैसे कि सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पर देखा जा सकता है। एक व्यक्ति बाइक पर सवार होकर कुछ ही दूरी पर रुक जाता है, दूसरा व्यक्ति पैदल चलकर कुछ दूरी पर गली में बैठे वीर भान के गले से चेन तोड़कर फरार हो जाता है। पीड़ित बाइक सवारों के पीछे दौड़कर पकड़ने का प्रयास करता है, मगर अज्ञात बदमाशों का पीछा करते हुए वह गिर जाता है और बदमाश मौके से फरार हो जाते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से बदमाशों का सुराग लगाने में जुटी हुई है। वहीं पीड़ित के परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। ये सुबह जी मैं अपना पाइप लगा रहा था टूटी की पानी ऊपर चढ़ाने के लिए, दो बाइक सवार आए और बाइक रोका और चैन तोड़ के भाग लिए। मैं पीछे भाग गया, हाथ के बाजू भी क्रैक हो गई और चोट चुटे भी लगी और अपने पार गए। मांग यही करते हैं भी ये गलत काम है, इसका इंसाफ होना चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए, पकड़ना चाहिए, वो चैन तो वापस मिलनी चाहिए। ये छानबीन करे गवर्नमेंट, निकाले इसको पुलिस, पुलिस का रवैया क्या कहें, जब इसको मिलेगी जब समझेंगे पुलिस का रवैया सही है, नहीं तो क्या समझेंगे पुलिस का रवैया सही है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द हिंद वॉरियर न्यूज़।